प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेधि वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहो रात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओ शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। बंद कर लो ही ना आवाज है। आप चलाते हो इसलिए वो चलाता है। क्लास के पहले क्यों चलाते हो? तो जब भी चालू करो एक मिनट पहले करो। आप 8 बजे से रिकॉर्डिंग बजा देते हो। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम उषन्न वैवाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य हंजिकेता नाम पुत्रवास तगम ह कुमारगम संतम दक्षिणा सुनियमानासु श्रद्धा आविवेश सुमन्यत
पीतो दगा जगदत्रणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदानाम ते लोका तान सगच्छति तान ददत सहोवाच पितरम् ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगम् होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किगंसि मध्यस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिवमर्त्यपच्यते सस्यमिवा जायते पुनः वैश्वानर प्रविशति अतिथिर्ब्रह्मणो ग्रहान् तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतगं सुनतां च इष्टापूर्ते पुत्र पशुगणश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्याननश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवासि गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्ते सुब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतीतीन् व्रणान् व्रणीष्व तस्मात् प्रतीतीन् व्रणान् व्रणीष्व सहोवाच पितरम् ततः कस्मै मां दास्यसीति। नचिकेता के व्यक्तित्व का एक और गुण सामने आता है कि अपने बड़ों को अपने पिता को जो टोकने का ढंग है और टोकने का ढंग इतना शीलवान है कि पिता को भी बुरा नहीं लगता और वह अपना जो समाचार है वह भी पिता तक पहुंचा देता है। ऐसे गुण को कल चर्चा में मैं कह रहा था, ऐसे गुणों को शील कहते हैं। शील का अर्थ है चित्त की विनम्रता। हमारी व्यवहार से व्यक्ति को, हमारे रिएक्शन से व्यक्ति को
चोट ना पहुंचे। अब बोले वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, हमें तो अपने को संभालना है। तो मेरी किसी प्रतिक्रिया से, प्रतिक्रिया समझ गए, आपके बोलने के ढंग से, आपके बताने के ढंग से किसी को नीचे होने का एहसास ना हो, ऐसे गुण को क्या बोलते हैं, शील। भगवान राम में, कल मैं कह रहा था, भगवान शिव में यह शील पूरी तरीके से विराजमान है। नचिकेता अपने पिता से बोलता है और बहुत प्यार से बोलता है, ततः हे तात कस्मै माम दासिसीति, हे तात, हे श्रेष्ठ, हे मेरे पिताजी, माम कस्मै, मुझको आप किसको दे रहे हैं। मानो कि ऐसा कहने पर पिता ने उसकी बात को क्या कर दिया, अनसुना सा कर दिया। द्वितीयम, दूसरी बार फिर से बोलता है, तृतीयगम, तीसरी बार फिर से बोलता है, तगम होवाच, और पिता तीन बार सुनकर, वही तीन बार बातें सुनकर क्या हो गए, वो क्रोध में आ गए और क्या बोलते हैं, मृत्युवे त्वा ददामीति, ये पंक्ति बस, जाओ मैं तुमको मृत्यु, मृत्यु मतलब यमराज, मैं तुमको यमराज को देता हूं। अब पता नहीं कहां से उसके मन में ये यमराज की बात आ गई, बात तो कुछ और चल रही थी लेकिन कहां से उसके अंतःकरण में वृत्ति आ गई। ऐसा लगता है कि क्रोध में व्यक्ति जनरली यही बोलता है कि जा मर जा, वही ट्रांसलेशन है कि मैं तेरे को किसको देता हूं, मृत्यु को देता हूं। अब यहां से नचिकेता का, और आप देखो इसके जो व्यक्तित्व की व्याख्या और अच्छे से मिलती है, क्या है, सह एवं पुत्रः, इस प्रकार जब उसने अपने पिता की ये बात सुनी तो कायदे से तो वो चौंक गया, ये क्या कह रहे हैं पिताजी, मृत्यवे त्वाम ददामी थी। सह, सह मतलब नचिकेता, एवं उक्ता पुत्रः, ऐसा मुझको कहा, और ऐसा कहकर वह, ध्यान रखो अब, उसने कोई जवाब प्रति जवाब नहीं किया, आप कौन होते हैं मेरे को देने वाले, आपको किसने ये अधिकार दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। अब देखो प्रतिक्रिया शून्य है, पिता ने बोला मृत्युवे त्वा ददामीति, उसने क्या जवाब दिया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा ही उसने एक काम किया, एकांते परिदेवनाद वंजकारः, देखो महाराज जाके एकांत में एकदम जाकर और चिंतन और मनन में वो रम गया कि मेरे पिता ने यदि कुछ कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा, और ये निकला होगा तो कुछ सोच के निकला होगा। तो वह एकांत में जाकर हाँ मनन करने लगा, इसलिए भाष्यकार क्या लिखते हैं, एकांते। अच्छा, अब यह चिंतन उसने क्यों किया, अच्छा एकांत में, कुछ अंदाजा, एक्चुअली में दर्शन के हिसाब से कर्म सिद्ध, मैं बार बार वहीं पे जा रहा हूं इसलिए आपको वो धुरी पकड़ के रखनी है। नचिकेता के व्यक्तित्व की जो धुरी है वो कर्म सिद्धांत है। तो नचिकेता को कर्म सिद्धांत में मतलब जम के निष्ठा है, मतलब उसमें रंच मात्र का संदेह नहीं है। तो वो क्या कहता है, यदि ये फल आ रहा है तो मैंने ऐसा कोई कर्म किया जरूर होगा,
यही तो है देखो। फिर से आपको ले चल रहा हूं, कर्म सिद्धांत के दो नियम। यदि कर्म किया है तो फल अवश्य आएगा, ये कैसा नियम है? पहला। अच्छा उल्टा भी पलट के देखो, यदि फल आ रहा है तो कर्म जरूर किया होगा, यही कर्म सिद्धांत है। फिर इसको बढ़ा लेते हैं व्यक्ति कि यदि अच्छा फल मिल रहा है इसका मतलब मैंने जीवन में क्या किया है, सत्कर्म किया है, और यदि खराब फल मिल रहा है इसका मतलब मैंने कोई ना कोई दुष्कर्म जरूर किया है। उल्टा है, सत्कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा जरूर आएगा, दुष्कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा जरूर आएगा। हो गया ना, एक कर्म सिद्धांत को पचा डालिया। अब कर्म सिद्धांत के इस पहलू को देखता है, कर्म है तो फल है ऐसा नहीं देखता वो उल्टा देख रहा है, यदि ये फल आ रहा है, यदि ये फल आ रहा है इसका मतलब मैंने हाँ जी कभी न कभी, कभी न कभी मतलब क्या हुआ, आज तो आज 7-8 साल का हूं, मैंने कभी न कभी किसी जन्म में पूर्व कर्म कुछ गलत तो, क्योंकि उसके बिना ये फल नहीं आ सकता कि मेरे पिता ने मुझको किसको दे दिया, मृत्युवेत्वा ददामि। इसीलिए मैं कल कह रहा था योग भ्रष्टो भी जायते, स्पष्ट हो रहा है ये? इसको इस दृष्टि से देखो कि नचिकेता की कर्म सिद्धांत के प्रति पूर्ण निष्ठा है, और अकेले में जाकर हां आत्मनिरीक्षण करता है। ये सब हम लोगों के लिए है, देखो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण मतलब सेल्फ एनालिसिस। हमारा तो दूसरे को ही एनालिसिस होता रहता है, दूसरे का एनालिसिस मतलब ये ऐसा है, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, ये एनालिसिस हो रहा है कहां, एकांत में, तो मैं इसको ऐसा जवाब दूंगा, तो ये यहां मिलेगा तो इसको ऐसा बताऊंगा। देखो ये एनालिसिस हो रहा है, एनालिसिस सेल्फ का हो कि कुछ तो मैंने गड़बड़ की है। अब कहां गड़बड़ की है ये देख लो, और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कम से कम ये बात तो संतोष कर लेनी चाहिए कि हमारे किसी न किसी कर्म का गलत परिणाम है। ये कहां करता है, पुत्र एकांते परिदेवनाद वंच, मिल गया महाराज, वो जाके एकांत में चिंतन करता है और दूसरी चीज कहता है। देखो फिर से एक और चिंतन सोचता है, ऐसा लगता नहीं कि मैंने कोई कर्म गलत किया है। देखो ऐसा चलता है ना मन में दोनों वृत्तियां, ऐसा लगता तो नहीं कि मैंने कुछ गलत किया, तो मेरा कर्म यदि गलत नहीं है और फल आ रहा है तो यह फल दुखद नहीं हो सकता, दुखद लग रहा है, दुखद है नहीं। कैसे अपने चिंतन को बदलता है, जो फल आ रहा है ये जो दुखद है ये कौन कह रहा है, ये तो मैं कह रहा हूं ना, ये फल दुखद नहीं हो सकता, मृत्युवेत्वा ददामि थी, लेकिन मुझको दुख लग रहा है, यही इसलिए वेदांत कहता है आपके लगने से क्या होता है, बोले मेरी अनुभूति है, तुम्हारी अनुभूति प्रामाणिक नहीं है, तुम्हारी अनुभूति एकदम प्रामाणिक नहीं है। इसलिए मैं बार बार अभी कल भी यही बात अरविंदो में कह रहा था, किसी व्यक्ति की अनुभूति हमारे लिए मायने नहीं रखती, हम तो भगवान भाष्यकर की अनुभूति को भी नहीं देखते हम लोग। आपने देखा होगा वेदांत में किसी गुरुदेव की अनुभूति आपको कोई सुनाई जा रहा है, नेवर, क्योंकि व्यक्ति तंत्र हमारे यहां नहीं है। भाई आप सोचो आपकी अनुभूति का क्या भरोसा, अरे मैं परसों आपसे क्या, परसों रात महाराज को हमको खूब ठंड लग रही थी,
खूब ठंड, तो एक नहीं दो दो कंबल पहन लिया। अब जब इन लोगों को देख रहे हैं तो ये सब लिफाफे जैसे घूम रहे रात में, तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है तो मूर्ख कौन है भाई। तो मैंने पूछा ठंड नहीं है क्या, तो बोले एकदम ठंड नहीं, तो मुझको क्यों लग रही है। तो जो आसपास फोन घुमाया तो बोले आपको कोविड हो गया है। हाँ मैं आपको बता रहा हूं, आपके आने के पहले कल मैंने कोविड टेस्ट कराया सुबह, जब आप आ रहे थे कल तो एक बैठा था ये भी, मैंने कहा निवृत्त कर लो आप दिमाग में, हम वो नेगेटिव आ गया, इसलिए फिर मैं गया वहां, इसलिए तब कि मेरे कारण ऐसा कुछ ना हो। खैर मैं तो अनुभूति की बात बता रहा हूं, अब मुझे तो ठंड की अनुभूति हो रही और दुनिया को, तो मेरी अनुभूति क्या प्रामाणिक है। और ज्यादातर गुस्से में व्यक्ति को ऐसी कुछ अनुभूतियां होती रहती हैं। इसलिए एक बात तो ध्यान रख लीजिए, आपकी अनुभूति वेदांत का कोई पढ़ा चढ़ा व्यक्ति प्रामाणिक, मुझे ऐसा लगता है तो बोले आपको ही लगता है, किसी की अनुभूति मेरे लिए प्रामाणिक नहीं है। अच्छा इसको एक वाक्य में कहें क्यों नहीं है प्रामाणिक। हाँ अनुभूति हमारे त्रिगुणों का परिणाम है और त्रिगुण निरंतर परिवर्तनशील है, त्रिगुण हमारे निरंतर परिवर्तनशील है। और वही व्यक्ति बड़ा अच्छा था और उसको काम में आप छेड़ो, जब वो काम बिजी हो तो आपको झटक दे कि नहीं झटक दे, तो आप कहोगे ये व्यक्ति ऐसा है। अरे ऐसा नहीं है भाई, जब आप उसके बीच के काम में छेड़ रहे थे तो उसने आपको झटक दिया। वो व्यक्ति पूर्ण तमोगुण में हुए, उसको नींद आ रही हो और आप बोले नहीं पढ़ पढ़ पढ़, तो क्या करेगा आपके साथ में। व्यक्ति की एक मिनट, व्यक्ति की अनुभूति कतई मायने नहीं रखती वेदांत में। इसलिए भगवत गीता कहती है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कार्यम अकार्यम, क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझे बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, ये कौन होगा, ये शास्त्र होगा। हाँ जी आप क्या बोल रहे हैं। हाँ बट उसका निर्णय प्रामाणिक हो ऐसा जरूरी, इसीलिए दुविधा में गए और बोले अब ऐसा निर्णय लेते हैं कि अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। ये जो आत्महत्या करते हैं ये कैसे करते हैं, इसमें तो बहुत सारे केसेस है। ये एकांत में जाके, ये जो डिप्रेशन के मरीज हैं ये क्या है? इनका आधा पता नहीं आपके पास है नहीं, हमारे पास बहुत सारे आते हैं ये सब, इनकी अमावस्या और पूर्णिमा को हालत देखने वाली होती है। सडनली मुझे चेंज दिखता है इन बच्चों में और जो माता वर्ग, स्पेशली माता वर्ग में, वो जो आत्महत्या की बात सोचते हैं वो कब सोचते हैं, एकांत में जाकर ही सोचते हैं। मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, या तो जीवन में कुछ रखा ही नहीं है, और तो इसलिए मैं क्या करूं, अब मैं अपना देह क्या कर लूं। चलो सुंदर है, तो ये चिंतन कब हुआ उसका, एकांत में हुआ। और पहली बात तो जो आपने शब्द किया मुझे तो उससे ही एतराज है, चिंतन दुविधा में हो तो आदमी का चिंतन मानना ही नहीं चाहिए। परेशान व्यक्ति क्या चिंतन करेगा, चिंतन तो निष्पक्ष होना चाहिए, है ना। और वो जो चिंतन करेगा वो अपना ही करेगा, सोच सोच के सोच सोच के सोच सोच के। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि जब ऐसे परेशान हो कहीं सत्संग में जाओ, गुरु के पास जाओ, मंदिर में जाओ, संत के पास जाओ, वृद्ध के पास बैठो, कुछ चर्चा करो, तो आपको थोड़ी देर में अंतर क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। जो आपकी दुख की तीव्रता ऐसी जा रही थी वो धीरे से क्या हो गई, और फिर राह दिख जाती किसी संत के पास जीने की, तो जीवन बदल जाता है। खैर मैं तो ये कह रहा हूं विषय पे हूं, नचिकेता का यह भी चिंतन है कि मैंने कोई गलत कर्म किया होगा तो फल आ रहा है, फिर वो ये भी सोचता है मैंने कोई गलत कर्म ऐसा तो, लेकिन एक बात सच है, वो क्या सच है, फल आ रहा है। नहीं तो फल आ रहा है तो यह किसने कह दिया कि यह दुष्कर्म का परिणाम है, प्रश्न यह है, यह किसने कह दिया कि यह दुष्कर्म का परिणाम है। यह हमको लग रहा है दुख,
लेकिन हो सकता है ये जीवन के लिए बहुत सुखकारी हो। मतलब अब देखो, यही कहता हूं मैं, जो सुख और दुख है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। देखो आप वो बजा रहा है, उसके लिए वो सुखकारी है, हमारे लिए, हम जो बजा रहे हैं हमारे लिए, उसके लिए, आप अभी भी का देख लो, सवेरे उठ के कोई व्यक्ति अपना हल्ला मचाने लगा, चाय बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, दूसरा व्यक्ति नींद में मान लो सोना चाहता है, तो आप उस आपका जागना उसके लिए क्या हो गया? कुछ नहीं कह सकते कि ये सुख है ये दुख है, सिर्फ ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं यहां, सच सब रिलेटिव है ये, बना? तो अब ये चिंतन करता है कि ये फल दुखद दुष्कर्म का परिणाम है, ऐसा कोई जरूरी? सत्कर्म का फल कभी दुखद नहीं हो सकता। देखो दो चीजें हो गई, इसको जरा हम लोग पहले वाले चिंतन को मान लेते हैं। क्या चीज? दुष्कर्म का परिणाम दुख है। तो तुम सरक ही रहे हो, आगे ही आ जाओ, सरक पहले वो दरवाजे से सरका, अब यहां आ गया, अब धीरे धीरे सरक रहा है, आगे ही आ जाओ, और लेट आओ तो वहीं बैठो, अब तो दरवाजा भी बंद करा दूंगा सबके लिए। हाँ, ये जो पहली निष्पत्ति है ये तो हम लोग मान लेते हैं, कौन सा? सत्कर्म का परिणाम, ये तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब दुख आवे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो किसका परिणाम है, वो दुष्कर्म का परिणाम है, क्योंकि वो जो दुखद परिस्थिति लग रही है हो सकता है वो सुख आपने सत्कर्म किया होवे, उसी से आपके जीवन में क्या आना होवे, सुख आना होवे, लेकिन वो शुरुआत में हमको कैसी दिखती है? जैसे कि एक्सरसाइज है ना, आपको शुरुआत में कैसे दिख रही है? बोले दुष्कर्म है, ये आ गया पढ़ाने लिखाने, ये कराने आ गया, मैं जैसे अपने एक्सरसाइज वाले बोले सनी का अवतार दिखते हैं ये लोग पूरे एकदम, लेकिन एक्चुअली में दिख वो दुख रहा है, लेकिन वो है कैसा? तो ये कहां से निष्पत्ति निकल ली कि ये दुष्कर्म का परिणाम? स्पष्ट हुआ? इस पर हमको कई बार सोचने की आवश्यकता होती है, ये कहना चाह रहा था। नचिकेता की कर्म निष्ठा देखो नो, आप देखो कितना, यही ये जो मैं कह रहा हूं ये एकांत में जाके वो सोच रहा है, हम लोगों का जो चिंतन है वो अधूरा है। यदि फल आ रहा है तो कर्म किया होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा, लेकिन ये दुखद फल है ये किसने कह दिया? फिर से वो सोचता है ये दुखद नहीं है, ये हो सकता है क्या हो गए, ये सुखद होए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा उसने सोचा। कथमिति उच्यते, ये कैसे हो सकता है? देखो मिल गया आपको भाष्य में, स एव मुक्तः पुत्रः एकांते परिदेवांचकारः, ये कैसे हो सकता है? कथमिति उच्यते, मैंने ऐसा कुछ गड़बड़ काम तो नहीं किया है। और फिर वो आत्मविश्लेषण करता है, क्या बोलता है? देखो बहुनामेमि प्रथमः, ये बहुत सुंदर है इसका भाष्य, बहुनाम एमि, बहुतों में मैं प्रथम हूं, प्रथम हूं मतलब सर्वोत्तम हूं, किसमें? शिष्यों में, पुत्रों में। अब आप तो आध्यात्मिक पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग इसको क्या अर्थ लेंगे? शिष्यों में। बहुनामेमि प्रथमः, मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं कुछ गलत करता हूं, और मुझे तो ये लगता है कि बहुनामेमि प्रथमः, इसका अभिभाष्य दिखाते हैं आपको, और हो सकता है भाई अपनी बुद्धि पे इतना, बहुनामेमि मध्यमः, हो सकता है कि मैं उत्तम सर्वोत्तम न हूं तो क्या हूं, तो मध्यम हूं, ऐसा भी हो सकता है।
तो देखो भाष्यकार क्या लिखते हैं, बहुनाम मिल गया सबको, बहुनाम बहुत लोगों में मतलब क्या, जो उपनिषद का शब्द है वो क्या है, बहुनाम। तो भाष्यकार उसका अर्थ क्या लेते हैं, बहुनाम का अर्थ क्या, शिष्याणाम पुत्राणाम व, शिष्यों में या तो पुत्रों में। जब गुरुकुल में है तो क्या अर्थ हो जाएगा, शिष्यों में। जब पुत्र है तो फिर पुत्राणाम। तो बहुनाम शिष्याणाम पुत्राणाम पुत्राणाम वा एमी, एमी मतलब गच्छामि प्रथमः। भाष्यकार कहते हैं यहां मुख्य जो वृत्ति है वो शिष्य की लेनी चाहिए। भाई पुत्र भी कितने सारे होंगे, बहुत सारे थोड़ी ना हो जाएंगे। तो मैं बहुत शिष्यों में मैं कैसा हूं, प्रथम शिष्य, बहुत अच्छा शिष्य हूं। सन मुख्यया शिष्यादि वृत्त्या इत्यर्थ, मिल गया ये बात, मैं बहुत सारे शिष्यों में मैं जो हूं वो कैसा हूं, प्रथम हूं। हो सकता है कि मैं अपने आप को समझ रहा हूं प्रथम, वो चिंतन कर रहा है ना। मध्यमा मध्यमानानाम च बहुनाम मध्यमः, हो सकता है कि मैं अपने आप में तो अच्छा हूं लेकिन बहुत लोगों के बीच में जब जाऊं तो मैं कैसा हो जाऊं, मध्यम हो जाऊं, बीच वाला हो जाऊं। लेकिन एक बात है, न अधमः कदाचित, भाष्य देख रहे हो कितना सरल है, मैं प्रथम हो सकता हूं, मैं मध्यम हो सकता हूं, न अधमया कदाचित, मैं अधम तो कभी नहीं हो सकता, मैं ऐसा हूं नहीं। अब आपके भी मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि भाई ये किस बंटवारे से आप कह रहे हो कि प्रथमा हो और मध्यमा हो, ये भाष्यकार ने भी नहीं बताया है यहां पर। इसकी मदद करते हैं टीकाकार। देखो टीकाकार क्या कहते हैं, टीका मिले नीचे देखना इसके, देखो ये प्रथम और मध्य का बंटवारा टीकाकार करते हैं। क्या बोलते हैं, यथा अवसरम, मिल रहा है आपको सबको, यथा अवसरम गुरोः इष्टम ज्ञात्वा शुश्रुडे प्रवृत्ति ही मुख्यया। पहले इसका अर्थ समझिए, जब कोई अवसर आप प्राप्त होवे और मैं जो गुरु का इष्ट है, इष्ट मतलब, अब इष्ट मतलब सुख और अनिष्ट मतलब दुख मत कर लेना यहां पे इसका अर्थ। भाई देखो स्वामी जी इसको ऐसा कहते, किसी परिस्थिति में खाली बैठे हैं तो उस व्यक्ति से मिलने के लिए बेताब है, लेकिन कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो फिर उसी व्यक्ति से वो नहीं मिलना चाहेंगे, बन गया। तो इसलिए एकदम दुख मत कर देना, इष्टम मतलब सुख और अनिष्टम मतलब दुख। फिर क्या बोले, यथा अवसर गुरु इष्टम ज्ञात्वा, गुरु के मन की बात को जान लेना, कैसे, गुरु के कहे बिना, बन गया, गुरु के कहे बिना यह जान लेना कि उनको इष्ट क्या है, इष्ट मतलब, इष्ट मतलब इच्छित। जैसे कि चलो अब तो आपके लिए कोई खतरा नहीं है, हमारे गुरुजी जब आपके पास बैठते थे तो मान लीजिए उनको आपके प्रश्नों के स्तर को जानकर जब बहुत दुख होता था कि ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपने देखा होगा वो यही वाक्य कहते थे, प्रभुदा इनको चलो नाश्ता तो कराओ भाई, ब्रेकफास्ट कराओ, लंच कराओ इनको। इसका मतलब क्या था, यहां से हटाओ, ये कोड वर्ड था। ये महाराज जी भी ऐसे ही करते थे, इसलिए गुरु जी भी ऐसे ही करते थे। अब हम सचमुच में जाएं और सब उन्हीं के सामने उनको खिलाने लगे तो फिर मूर्ख हो तुम।
गुरु के मन को पढ़ लेना कि इस समय इनके मन में क्या इच्छा हो रही है। अब समझ सकते हो इसके लिए कितना तादाद में चाहिए होगा, इसके लिए कितना तादाद में चाहिए होगा। एक रूप गुरुवत के तरीके से हो जावे। बोले ऐसा होता है? बोले हाँ ऐसा होता है, मैं कह सकता हूं। आंखों की पुतलियों से और मुख की मुद्रा से समझ में आ जाता है कि गुरु को इच्छित क्या है। वचन ना निकालना पड़े, ना 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 ना, ना। गुरु देखो टीकाकार कैसे लिखते हैं, यथा अवसरम गुरो हो इष्टम ज्ञात्वा। गुरु वो अवसर आने पर गुरु क्या चाहता है, इष्टम ये जानकर, ज्ञात्वा मतलब ये जानकर, इष्टम ज्ञात्वा अनिष्टम नहीं है, क्या गुरु चाहता है ये जानकर शुश्रुवे उनकी क्या करना, सेवा करना। ये कहने की आवश्यकता ना पड़े कि वो क्या चाहते हैं। प्रवृत्ति मुख्या, इसको बोलते हैं मुख्य। प्रथमा शब्द की व्याख्या हो गई, हो गई प्रथमा शब्द की। अच्छा मध्यमा की देखो, आज्ञा वशेन मध्यमा। अब आज्ञा दी तब आपने किया, किया तो लेकिन कब किया, तब ऐसे पुत्र को ऐसे शिष्य को हाँ मध्यमा कहते हैं। पुत्र के साथ भी आप ले लो ऐसे ही, कि बोलने के बाद यदि वो करे तो इसका मतलब उसका अंतःकरण अपने पिता से अपने गुरु से ट्यून्ड कतई नहीं है, कतई नहीं, रूखा है उसका चित्त। स्पष्ट हो गया, इसमें कोई कठिनाई आ रही है। तीसरा देखो, तद अपरिपार, और एक तीसरा और अधमा होता है, बोलने के बावजूद भी ढीठ होते हैं ऐसे ढीठ। अब उसके कई कारण होते हैं, स्वामी जी बता रहे थे, मुझे याद आता है हम लोगों को पढ़ा, कई कारण होते हैं। एक तो वो अपने आप को स्मार्ट समझता है, उसको लगता है गुरुजी समझ नहीं पाए हैं, मैं ठीक समझ रहा हूं, ये भी हो सकता है। दूसरा कारण होता है प्रमाद, प्रमाद मतलब आलस्य। मस्तिष्क में भी वो बात है लेकिन क्रियान्वयन में वह बात। तीसरी आलस्य को बोलते थे रलयो भेद अरस, आलस जो शब्द बना है वो अरस, उनकी बात में किसी प्रकार का कोई वो रस, तो ठीक है बोले बोल दिया होगा, बोल दिया होगा तो बोल दिया होगा, उनका काम ही ऐसा है। देखो अब हम लोगों के, हम लोग आपस में देखना कैसी वृत्ति रहती है हमें। यदि वह वास्तविक गुरु है भाई तो समष्टि की प्रेरणा से ही उसके मन में कुछ ना कुछ इच्छा आएगी, ये तो पक्की बात है। स्वयं की कोई तो इच्छा क्या होगी, समष्टि की प्रेरणा होगी तो। मुझे याद है कि हाँ स्वामी जी ने इसका ये दृष्टांत दिया था कभी, कि जो लोग गए होंगे सिद्धबाड़ी कि पठानकोट कहाँ और हिमाचल कहाँ, और जब आश्रम के लिए बना तो वो पूरी जैसे पहाड़ होता पथरीला, पथरीला मतलब अंदर पहाड़ धसे हुए थे, जिस आश्रम में हम लोग अब बहुत अच्छे से रहते हैं। गुरुदेव ने उसको कहां से चूज कर कर इतना बढ़िया हाईटेक आश्रम बना दिया, सर्व सुविधा युक्त, 400 लोग रह लो, खा लो पी लो, डिस्पेंसरी भी बना दी गांव वालों के लिए, कारखाने बना दिए, तो ट्रेनिंग हो गई, तो लाखों महिलाओं ने क्या क्या सीख लिया वहां जाके, लाखों लोगों ने नर्सेस ट्रेनिंग और ये खूब अच्छा। लेकिन गुरुदेव ये बोलते थे कि यदि ये तपोवन महाराज जी देख लेते तो डंडा लेके हमको दौड़ा लेते, कि ये पढ़ाया था हमने,
लेकिन गुरुदेव उसको ऐसा कहते थे कि जब मेरे प्रारब्ध में ही है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यदि जंगल में भी चला जाऊंगा तो तब भी वहां कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसको बोलते प्रारब्ध को आप टाल, आप जहां जाओगे वहीं कुछ कुछ होने लगेगा, तो अब क्या कर लोगे आप, ये आपका प्रारब्ध है। जंगल में ही बहुत सारी कहानियां पुराणों की आती हैं, भी कहानी एक दिन चर्चा हो रही थी, वो डाल पे बैठ गया, वो डाकू मलुकदास जी की कहानी थी, तो खुद पढ़ना उसमें, तो यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी कहानी ऐसी आती है, मलुकदास जी की कहानी आ रही थी, वहीं पे ही सब राजमहल बन गया, ले कहां घोर जंगल में। तो अभी ये क्या है, ये व्यक्ति का प्रारब्ध है, क्या करोगे। न चाहते हुए भी व्यक्ति को वहां पे क्या करता है, वो लेके चला जाता है। यही सब जीवन मुक्त के लक्षण। खैर अच्छा चलिए आपको और एक अच्छी बात सुनाते हैं, याद अभी आ गई। वो महाराज स्वामी अखंडानंद जी, शायद स्वामी जी से ऐसा उन्होंने प्रश्न किया कि यदि दुख को दुख तुम चाहते हो, तो बोले नहीं चाहते, तो बोले दुख को रोक लो। तो बोले कैसे रोकें, बोले ऐसा करो अपने सब सगे संबंधी इष्ट मित्र सबको लगा दो और क्या कर दो, दुख को रोक लो। बोले महाराज जी इतना होने के बावजूद भी दुख नहीं रुकेगा, वो आ जाएगा। तो उन्होंने कहा जैसे इतना रोकने के बावजूद दुख नहीं रुक सकता तदवत कितना भी कर लो, तुम्हारे अगर किस्मत में सुख लिखा है ना, तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। देखो कोई नहीं रोक सकता, वो आएगा ही आएगा, कितना भी कोई क्यों ना रोक ले, रोकेंगे लोग, रोक के देख लो आप, और रोकते हैं आप भी देखते हो। लेकिन महाराज अगर उसकी किस्मत में है तो कोई व्यक्ति उसके सुख को रोक। और उसमें स्वामी जी ने यह दृष्टांत दिया है, क्या वशिष्ठ जी दशरथ जी के वनवास को रोक पाए थे, राम जी के, इतना बड़ा गुरु ब्रह्मज्ञानी थे, ध्यान रखना ये तो मैंने आपको बताया होगा, वो तो भगवान के कहने पर वो पुरोहित बने थे, वरना उनको पुरोहित बनना नहीं था, है ना, पुरोहित बनना नहीं था, वो तो ज्ञानी व्यक्ति थे, क्या रोक पाए, कुछ नहीं रोक पाए, इतना बड़ा गुरु क्योंकि किस्मत में। और राम जहां जाते हैं वहीं पे सभा बन जाती है और वहीं पे लोग ज्ञानी लोग सब बैठ जाते हैं, सत्संग करने लगते हैं, और कोई रोक पाया उसको, वो भी नहीं रोक सकते। दोनों चीजें हैं, दुख को आने से आप रोक भी, संभवतः उल्टा भी कर लो इसको, यदि सुख आपकी किस्मत में है तो उसको आने से भी कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा विषय पे, यथा अवसरम गुरोः इष्टम ज्ञात्वा, गुरु का इष्ट क्या है, देखो ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि ये बहुत परिवर्तनशील है, एक परिस्थिति में जो इष्ट है दूसरी परिस्थिति में वो अनिष्ट है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, खाली परिस्थिति में बैठने पर वो उससे बात करना पसंद करते हैं, लेकिन पूजा करते समय कुछ अन्य पढ़ते समय वो नहीं पसंद करते, तो अब आप लकीर के फकीर हो गए, नहीं बोले ये तो पसंद है, तो अब आप उनको उस समय भी प्रवेश करा ले गए, लो इसका मतलब आप ट्यून्ड नहीं है। इसीलिए शब्द क्या लिखा, अवसरम, पकड़ में आ रहा है, ये अवसर शब्द क्यों लिखा है, क्योंकि परिस्थिति बदलती रहती है। यथा अवसरम गुरोः इष्टम ज्ञात्वा सुश्रुणे प्रवृत्ति ही मुख्या, मुख्य तो यही है, आज्ञावशेन मध्यमा, आज्ञा दे दो तो कर देता है। तो आपको तो खैर इसका क्या उदाहरण, आपका पुत्र अपने अपने देखो आप,
अगर वो आपसे बिना पूछे कुछ करता है आपके लिए, तो आपको क्या लगता है? नहीं अच्छा लगता? केयर करे कोई आपकी, बिना पूछे बताए और बिना जताए कुछ केयर करे आपको, जता के नहीं करे, 10 बार जताए, ना 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 ना, वो सब नहीं। अच्छा, वो 10 बार आपको बोल के करता है, चलो मैं कर दे रहा हूं आपका, आपको तो कुछ आता जाता नहीं, काम धाम है नहीं, फालतू हो जाता, चलो कर, ठीक। तो उसको क्या बोलोगे? और एक ऐसे ढीठ लोग हैं कि बहुत बार भी कह दो लेकिन कोई काम कहो, कोई काम वो नहीं करे, कहने के बावजूद नहीं करते, इसको क्या कहेंगे? अधमा। लेकिन वो अपने को किस में कहता है? न अधमया कदाचित भी, मिल गया, भाष्य में आ जाओ आप, मैं अधम तो नहीं हो सकता। देखो कितना विश्वास है अपने ऊपर, मैं तो अपने पिता को अच्छी तरीके से जानता हूं, मैंने कभी भी पिताजी के लिए ऐसा कोई कार्य आज तक नहीं किया। अच्छा, तम एवं विशिष्ट गुणम अभी पुत्र माम, ऐसा विशिष्ट होते हुए भी मेरे जैसे पुत्र को मृतवे त्वा ददामी थी उक्त्वा, मेरे जैसे पुत्र को मेरे पिता ने क्या कह दिया कि मैं तुमको क्या देता हूं? यमराज को देता हूं, मृत्यु को देता हूं। मिल रहा है आपको भाष्यकार? अब देखो नीचे उपनिषद की पंक्तें, किंग गम स्वित, मिल गया, स्वित मतलब क्या होता है? निपात है, निपात, निपात का कोई अर्थ नहीं है, स्वित। किम स्वित अस्य कर्तव्यम यन्मयाति करिष्यति, ऐसा लगता है कि कुछ यमराज का कार्य मुझसे बाकी है, पिताजी बीच में नहीं है कोई, मेरा और यमराज का ही कोई कार्य, तभी ये बात हो रही है। पिताजी कहां से बीच में आ गए, तो हमारा और यमराज का कोई लेना देना बाकी, इसलिए पिताजी ने किसको भेज दिया है? तो भाष्य को देखते जाना, मध्यमानां च बहुनां मध्यमा मध्यमा वीति वृत्तमायीमि न अधमया कदाचित् तमेवं विशिष्ट गुणमत्रमपि पुत्र मां मृतवे ददामीति उक्तवान् पिता, सह किं स्वित अस्य कर्तव्यं प्रयोजनं मया प्रत्येन करिष्यति यत् कर्तव्यं अद्य। अच्छा, दूसरा कहता है, नूनम प्रयोजनम अनपेक्ष एव क्रोधवशात उक्तवान पिता, मेरे पिता ने जो ये किया, देखो जी क्या, प्रयोजनम अनपेक्ष, मेरे पिता ने जो ये कहा कि मैं तुझको किसको दे देता हूं, ये क्रोधित होकर कहा है। देखो कि ये क्या कर रहा है, ये सब जाके एकांते, और जब विचार करता है तो बहुत सारी वृत्तियां आती हैं कि नहीं आती हैं, ये सब उसके मन में चल रहा है। देखो ये, अब देखो भाष्यकार उससे कितने एक रूप हैं कि सब उसके मन की वृत्तियों को क्या कर रहे हैं, पकड़ लेते हैं, वो क्या चल रहा है इसके अंदर, क्या चल रहा है इसके अंदर, कि यत कर्तव्य नूनम प्रयोजन अनपेक्ष क्रोधवशात उक्तवान पिता, मेरे पिता ने जो ये कहा, ये कैसे कह दिया उन्होंने, ये क्रोध से कहा। अच्छा भाई, तथापि, इसके बावजूद, तथापि भले ही पिता ने ऐसा कहा, देखो जी क्या बोलते हैं, भले ही पिता ने ऐसा किया, कैसा, जो आपने देखा हिंदी देखिए, तो ये जो मैंने बोला ना भाई, कोई यमराज का ऐसा कौन सा काम रहा होगा, कोई अपूर्ण रह गया होगा कोई कार्य, जिससे मुझको क्या कर रहे हैं, वो यमराज के हाथों सौंप कर सिद्ध करेंगे, यह तो ये हो सकता है, कोई प्रयोजन होगा यमराज का और मेरा, इसलिए पिताजी किसको सौंप दे रहे हैं, यमराज को। अथवा मुझे ये भी लग रहा है कि किसी प्रयोजन की कोई अपेक्षा बिना ही ये तो पिताजी ने क्या कर दिया है मुझको, क्रोध वशात, ये क्रोध में स्पॉन्टेनियसली आके, कुछ तो भी व्यक्ति क्रोध में बोल ही देता है, ऐसा पिताजी ने क्या कर दिया है, बोल दिया है। लेकिन यदि पिता ने बोला तथापि, अगर गुस्से में भी बोला है, तथापि, देख रहे हो कैसे करना है,
तथापि, तथापि मतलब उसके बावजूद भी, भी क्यों लगा रहा है, गुस्से में बोला है तो भी, तथापि तत् पितुहु वचो मृषामा भूत, मेरे पिता का जो वचन है वो मृषा नहीं होना चाहिए, जो मेरे पिता ने कह दिया वो मृषा नहीं होना चाहिए, मृषा मतलब झूठा नहीं होना चाहिए। मिल रहा है देखो, अब कितनी सरल संस्कृत लगती है अगर ध्यान से पढ़िए, तत् पितुः वचो मामृषः भूत इति एवं मत्वा, ऐसा मानकर परिवेदना पूर्वकम आह, और ऐसा चिंता करते हुए, खूब चिंतन करते हुए, पितरम, पितरम कहाँ चला गया, अब चिंतन निंतन कंप्लीट हो गया और अपने कहाँ गया, पितरम शोक, शोकाविष्टम जो मेरे पिताजी शोक से आविष्ट हैं, किं मयुक्तम इति, अब पिताजी को ये लग रहा है कि मैंने ये क्या कह डाला, ये तो अब मानो कि ये तो जाने को क्या हो गया, ये कहता है मैं तो जाऊंगा, तो अब पिता को लगता अरे ये मैंने क्या कह दिया, भूल से ही कह दिया, ये तो जा रहा है, अच्छा जा रहा है मतलब क्या, हाँ मतलब क्या, छोड़ के मतलब मर रहा है, यमराज से मुलाकात कैसे होगी, सोचो जरा आप, ये भाई जिंदा किसी से यमराज की मुलाकात नहीं होती, अपने प्राण त्याग देने के बाद ही यमराज से क्या होती है, तो इसका मतलब वो अपने प्राण छोड़ने के लिए क्या हो गया है, ओहो कितनी उम्र है, कुमारम, उपनिषद ने उम्र नहीं बताई, उपनिषद ने कहीं किसी श्लोक में अभी तक उम्र नहीं बताई, तो हो गया पितरम शोकम वाविष्टम किम मयोक्तम, मैंने इसको क्या बोल दिया, और अब अपने पिता को जाके क्या कहता है, पिताजी देखो बहुत सुंदर वाक्य है ये, श्लोक बहुत सुंदर है, धर्म का पिताजी अधर्म का कर्म का निर्णय जन्म और मृत्यु से नहीं होता, ये कौन कह रहा है, नचिकेता कह रहा है, पिताजी धर्म का निर्णय अधर्म का निर्णय कर्म का निर्णय मृत्यु और जन्म से नहीं होता। बोले क्या कह रहा है ये, बोले मैं बताता हूं, ये जो मरण है देखो क्या क्या दृष्टि है नचिकेता की, इसलिए मैं बोलो योग भ्रष्ट है, क्या बोलता है, मर्त्य शब्द पकड़ो, मर्त्य ये मरण क्या है पता है, शस्यम इव, शस्य मतलब समझते हैं फसल, फसल फसल जानते हैं ना, खेत में जो उगती है वो क्या होती है, फसल का क्या लक्षण है, फसल उगती है कट जाती है फिर नष्ट हो जाती है फिर आती है फिर जाती है, यही कौन हो रही है, बोले यही और जन्म मृत्यु है, होती है मृत्यु फिर जन्म होता है, तो उसने जन्म और मृत्यु का उदाहरण किसको लिया है, फसल को लिया है। देखो ये किसकी सोच है, सोच लो आप, मतलब उसको मृत्यु के नाम से कतई डर, ओ ये नीचे वाली पंक्ति देखिएगा पहले, शस्यम इव मर्त्य, मिल गया, पच्यते, शस्यम शस्यम मतलब समझ लेना फसल, फसल जैसे कि पकती है और फिर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इवम मर्त्य पच्यते शस्यम इव जायते, और जैसे फिर से जो फसल होती है वो फिर से क्या होगी, आ जायते, जायते नहीं आ जायते पुनः, फिर से आ जाती है, इस तरीके से जो जीवन है ये फसल की तरीके से मरता भी है और फसल की तरीके से फिर से भी आता है। अब हम लोगों की स्थिति क्या है, भी
फसल की दृष्टि से देखो तो कोई कोई तो पक गए हैं, कब टपके पता नहीं, कब टपके पता नहीं, कोई कोई थोड़ी बीज की अवस्था में है, कोई कोई जवान है भाई, आया है तो सब कैसे। तो अब देखो कोई आधा पका है, कोई चौथाई पक गया है, कोई पूरा पक गया है, कोई कब टपक जाए कोई भरोसा नहीं है। देख लो आप कैसी स्थिति दिख रही है अपनी। अब आपको ये याद रखना चाहिए कि टपकोगे लेकिन उसके बाद फिर से आप, फिर से जैसे फसल फिर से उगती है तो आपका फिर से अब क्या होगा, फिर से जन्म होगा, फिर से यही प्रकरण। वो बोलता है पिताजी आप थोड़ा पूर्व में भी तो देखिए, अनुपश्य यथा पूर्वे। क्या लड़का है देखो छुटकाना। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो कैसे, आप उनको देखो ना, अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों को देखो ना, उनका अनुभव देखो ना। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। देखो जी जैसे क्या लिखा है, जिस प्रकार पूर्व पुरुष पितृ पितामह आदि व्यवहार कर चुके उसे देखिए ना, क्या मनुष्य खेती की तरह पक रहा है देखो और उसके बाद मर रहा है। तो वो कहता है जैसा बड़े लोग आचरण करते आ रहे हैं आप पिताजी उनके आचरण को देखिए, यही यहां की रीति है। इसका मतलब कुल मिला के कहना क्या चाह रहा है, मैं अब यहां से ये श्लोक आया किसके लिए है भैया, हम यहां ये बात आने की क्या तुक थी, फसल की तरीके से मर रहे हैं, फसल की तरीके से जी रहे हैं, क्योंकि अब मैं यहां से जा रहा हूं। कैसे जा रहा हूं, मर के जा रहा हूं। तो आप मेरे लिए किसी प्रकार का कोई दुख मत कीजिए, मैं फिर से आऊंगा, फिर से फसल की तरह होगी, पहले नहीं था अभी था। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम तस्मात का परिदेवना, इसलिए क्या रोने की भाई। गीता में आपने पढ़ा ना अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया अबुद्ध व्यक्ति नहीं मानता है, उसको नहीं समझ में आता, पहले भी तो थे ऐसे ही, अब जो लोग कोविड में मरे थे अब वो एक साल हो गया तो अब कहीं ना कहीं उन्होंने क्या ले लिया होगा, अब जन्म लिया होगा कि नहीं होगा। अब जन्म लेके उनकी यात्रा फिर से क्या हो गई है, चालू हो गई। अब हम लोग फिर उस सर्कल पे आ रहे हैं, हम फिर मरेंगे। तो ये सर्कल तो ऐसे ऐसे सृष्टि का क्या रहता है, चलता ही रहता है। तो कुल मिला के पिताजी मैं अब जा रहा हूं किसके पास, क्योंकि आपने ही मुझे क्या किया है, दिया है। स्पष्ट हो गया, अब जो भी समझना हो समझ लो, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो बता तो रहा है, क्योंकि ऐसी आज्ञा कोई देता, कोई भी पिता, मैं इसका ट्रांसलेशन भी प्रमाण नहीं मानता, पका है। सिर्फ किसको प्रमाण मानना चाहिए, वो जो श्लोक है ना वही है असली। इंटरप्रिटेशन तो सबके डिफरेंट है, जैसे आप कल के, अब आप देखो ये सात मंत्रों में कहीं पत्नी की बात आई है किसी, तो सूत जी ने कोई वीडियो सुन लिया, वो भी उनके मित्र मिश्रा जी ने भेज दिया कि उनकी पत्नी थी और अब मैंने तो मैं तो टीका टिप्पणी किसी की नहीं पढ़ने वाला हूं, मैंने सिर्फ वो जो सात मंत्र, कितने मंत्र पढ़ाए अभी, छह मंत्र, छह मंत्र में कहीं स्त्री की कोई बात तो, अब हो सकता बाद में आया मुझे नहीं पता, लेकिन छह मंत्रों में कहीं स्त्री की, तो जो इसीलिए मैं कहता हूं इंटरप्रिटेशन पे किसी के विश्वास। हमें तो और भी एक स्वामी जी भी पढ़ रहा था उनसे मैं, वो भी यही कह रहे थे भाष्य भी हमारे लिए प्रमाण तब है जब वो शास्त्रानुकूल हो गए। इसलिए हमको मूल से क्या पढ़ना चाहिए, उपनिषद, फिर उसका जो, जिसका जो मन चाहे उसका वो अर्थ कर दे, तो स्वतंत्र है। हाँ भाई,
भाई पति पत्नी मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा आप लोगों के, आप जानो आपका काम जाने, मेरा ये क्षेत्र नहीं, मैं किसी गृहस्थ नहीं। पुत्र को तो रत्न मानते ही हैं।